समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जो भी वर्ग है चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो चाहे दलित समाज के लोग हो चाहे पिछड़े समाज हो चाहे प्रशासन के द्वारा चाहे गुंडों के द्वारा जिनकी है ये मेरे माननीय मिश्रा जी अनुरोध कर रहे हैं ये अनुरोध कर रहे हैं ये विषयता हूँ बहन जी की है ये ललकार ये मिश्रा जी की है यूपी की सरकार ये कुर्सी खाली कर दो ये रास्ता खाली कर दो हम लोग तीन चरण हो चुके हैं, चौथे चरण का वोट आज पड़ रहा है और 6 बजे तक शाम के 6 और 7 बजे तक आप सब लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे कि जो बात हमने कही है वो सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और जो लोग अभी तक बहुजन समाज पार्टी को कम आंक रहे थे उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, अभी से लगने लगा है, वो लोगों ने भी समझ लिया है जब तक तीन चरणों के बाद कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोट पड़ रहा है और पूरा प्रदेश अब कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित कराना चाहता है जहां पर कि किसान का हक उसको मिले, महिलाएं सुरक्षित हों, जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरी मिले और रोज़गार मिले, उनको बाहर धक्के ना खाने पड़े जा कर के। आज सभी लोग जो हैं एक तरफा जो है बहन मायती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और उसका आज भी जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे तो उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि अयोध्या में जितनी भी सीटें हैं अयोध्या में बहुत धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन अब पूरा प्रदेश के साथ साथ में अयोध्या के लोग खास तौर से ये जान गए हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और वो उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम निश्चित करेंगे।